साथियों, आपको हमने बताया था पिछले वीडियो के हिसाब से, उसमें सुजोग सिस्टम के हिसाब से किस प्रकार से हाथ के अंदर ये पॉइंट्स हमारे हमारा हाथ किस प्रकार से विभाजित होता है। अंगूठा जो है ये सर वाले भाग को, और ये जो दोनों के दोनों जो बाहर की जो उंगलियां हैं ये हमारे हाथ को डिनोट करती हैं, कॉरस्पोंडेंस से पॉइंट है होते हैं इसके अंदर। और जो ये दोनों बीच की जो दोनों उंगलियाँ होती हैं ये हमारे पैर के लिए होती हैं। तो इसमें जो सिस्टम के हिसाब से जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है हमारी, ठीक जो एब्डोमिन वाला पार्ट होता है उसके हिसाब से हम ये हाथ के अंदर ये इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट होते हैं। एक्चुअल में यदि हम अंगूठे को यहाँ की बजाय ऊपर की तरफ इस तरफ ले आए तो क्या होगा कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का सही मेजरमेंट या सही लोकेशन आपको पता लग जाएगी। लेकिन क्योंकि अंगूठा हमारा हाथ में इस तरह से होता है, ये नीचे की तरफ, तो जब अंगूठा नीचे की तरफ होता है तो अंगूठे वाला जो भाग है जब नीचे की तरफ है ये, तो इसमें अंगूठे वाले भाग में तो इस प्रकार से ये अंगूठे में ये दोनों के दोनों यहाँ फेफड़े होते हैं, इसके बीच में दिल वाला पार्ट यह होता है। ये आपका जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ये लीवर वाला भाग है हमारे, ये हम लेफ्ट हैंड में आपको दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लेफ्ट हैंड में, तो इस प्रकार से ये लीवर हुआ ये हमारा, और ये बड़ी आंत हो जाती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है आपका, ये अपेंडिक्स है और ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस प्रकार से हाथ में हमारे शरीर की जो रचना इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो एब्डोमिनल पार्ट जो होता है उसमें आपका लंग्स, हार्ट, और जो डायफ्राम वाला पार्ट जो होता है ये यहाँ से डायफ्राम वाला भाग है, बाकी पूरा का पूरा स्कैटर्ड होती है बॉडी, ये वाला एनस वाला पार्ट होता है। तो ये ट्रैकिया पार्ट होता है यहाँ पे, ये यही ट्रैकिया पार्ट होता है। यदि हम बात करें तो इसी पार्ट में हमारे जो ट्रैकिया यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स होती है हमारी, तो इस हिसाब से हमारी पूरी की पूरी बॉडी का जो पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये हमारे इस हाथ के अंदर ये इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से सुजोग सिस्टम के हिसाब से पैर में भी इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जो पैर के अंगूठे वाला भाग है यहाँ से ये शुरुआत होती है, ये हमारा माउथ है, ये ट्रैके वाला पार्ट है, ये दोनों के दोनों लंग्स है, ये वाला जो पार्ट है हमारा ये डायफ्राम वाले से ऊपर वाला पार्ट हो जाता है। इस हिसाब से यदि हम पैर के अंदर इसको बॉडी को स्प्रेड करें, जो सोल वाला पार्ट होता है इसमें, इसमें ये हमारा ग्रीन कलर का स्टमक, और ये स्टमक और लीवर, ये आपका ग्रीन कलर का लीवर, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, ये यहाँ से असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और ये रेक्टम वाला भाग होता है, यहाँ पे ये हार्ट वाला पार्ट होता है। तो इन बिंदुओं को दबाने से क्या होता है, इन बिंदुओं को एक पल्सेशन फॉर्म में दबाने से, यानी रेगुलर जैसे आपका 0.8 या 10 सेकंड के पर साइकिल के हिसाब से दबाने से, रेगुलर दबाने से हमारे इन ऑर्गन्स को लाभ मिलता है। कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, इंटेस्टाइन का पेन हो, स्वेलिंग हो, कॉन्स्टिपेशन हो, और ये कहीं भी स्टमक का दर्द हो या आपका इंडाइजेशन हो, ये सब के सब स्थिति में इसमें लाभ करता है। और क्या होता है कि जैसे लंग्स वाला पार्ट है, इस लंग्स वाले पार्ट में हम कभी कफ, कोल्ड, खांसी वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम हो तो इस पार्ट की मसाज करने से या इस पार्ट को हम दबाने से इसमें हमारे लंग्स वाले पार्ट्स में लाभ मिलता है। इस प्रकार से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इन ऑर्गन्स के हिसाब से हम इनको दबा के अपने सुजोग कॉरस्पोंडेंस पॉइंट से हम अपने घर पे बैठ के अपना इलाज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने अभी देखा जो वीडियो के माध्यम से जो बॉडी के ऑर्गन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यहाँ हम ग्लैंड्स की बात करेंगे। जैसे बॉडी में ग्लैंड्स होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड, या पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, थायमस ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड होती है, यहाँ पे बॉडी में थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ है, नीचे की तरफ किडनीज होती हैं, थोड़ा यह डायग्राम में गड़बड़ लग रही है मेरे को, थोड़ा सा नीचे होती है किडनी हमारी, और ये किडनी के ऊपर ही एड्रेनल ग्लैंड होती है। लेकिन यहाँ सिर्फ लोकेशन के लिए एक समझाने के एक तरीके से आप देख सकते हो, ये सेक्स ग्लैंड्स होती हैं। तो इस ग्लैंड्स के हिसाब से हम हाथों के अंदर पॉइंट्स को देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाला पार्ट थंब पे आता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारे जो बिल्कुल थंब के जो बीच वाला पार्ट होता है यहाँ आता है, ये आपका अंगूठे के नीचे बीच वाला जो भाग होता है। उससे आगे की ग्लैंड हम देखें तो और दूसरी ग्लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, एड्रेनल ग्लैंड जो होती है हमारी, ये एड्रेनल ग्लैंड हमारी जिस प्रकार से हमारी थोड़ी और ज़्यादा ये अलग अलग तरीके से बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इस डायग्राम को देख के पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से अंग हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ होते हैं। इन अंगों को दबाने से, इन पोर्शन को दबाने से हमें बॉडी के
विशेष रूप से बॉडी के उन सिस्टम को लाभ मिलता है। तो कई बार तो ग्लैंड्स के पॉइंट्स को दबाने से हमारी ग्लैंडुलर बैलेंस होता है, जो ग्रंथियाँ होती है उसमें संतुलन होता है। तो ये आपने हाथ वाले सिस्टम्स को दबा के हम अपने बॉडी के बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये आपने अभी देखा। आगे हम बताएंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे कि अलग से जो सोजो का जो मॉडिफिकेशन है हमारा, कि एक फिंगर, मात्र एक फिंगर से इससे हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये इंसेक्ट सिस्टम होता है आपका, मिनी सिस्टम होता है, और अलग अलग दूसरे सिस्टम होते हैं, उसको भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।